हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सपेंशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेंड पार्ट 1 ए प्लस 2 ए माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको एक्सपेंड करना है और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। फार्मूला इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जो फार्मूला हमें बताया गया है, एक नया फार्मूला एक्स प्लस ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस फार्मूला को यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 ए प्लस 2 ए माइनस 1। तो ए प्लस 2 तो सही है, यहाँ प्लस में दोनों टर्म हैं, लेकिन ए माइनस 1 में एक प्लस में है और एक माइनस 1 में है। क्या करेंगे, इसको भी प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और इसको माइनस 1 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद अब ये हमारा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही आ चुका है। तो क्या एक्स प्लस बी के फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो ए का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद ये ए के साथ जो चीज़ है उसको लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड टर्म जो है पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म, जैसे यहाँ पे एक्स ए प्लस बी था ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो गया 2 और बी की जगह पे यहाँ क्या हो गया माइनस 1। बी की जगह यहाँ माइनस 1 और ए की जगह 2, तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस ए इंटू बी, अब ए की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए की जगह प्लस 2 है और बी की जगह माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ लिख दिया। ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए भी आएगा। फॉर्मूला में क्या है, ए प्लस बी के बाद एक्स है, तो यहाँ पे ए आएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो गया और ये ए हो गया और ये माइनस 2 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन टू हमारा क्या है, क्वेश्चन टू है हमारा एम माइनस 4 एम प्लस 6, एम माइनस 4 एम प्लस 6 है। इसको भी सेम फार्मूला के तहत सेम प्रोसीजर से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो एम यहाँ अगर प्लस लिखते हैं तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो ये एम माइनस 4 को क्या हो गया, एम प्लस इन ब्रैकेट माइनस 4 और ये एम प्लस 6। इसको भी उसी सेम फॉर्म से, यहाँ ए क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, ये एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए में क्या है यहाँ पे माइनस 4, माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया, बी की जगह पे क्या है 6 है, और उसके बाद अगेन प्लस ए इंटू बी, तो ए की जगह पे यहाँ पे माइनस 4 है, ए की जगह पे क्या है माइनस 4 और बी की जगह पे 6 है। तो आगे बढ़ते हैं इसको, एम स्क्वायर तो ये क्या हो गया माइनस 4 प्लस 6 प्लस, ये माइनस 4 प्लस 6 और ये प्लस माइनस माइनस 6, 4 इंटू 6, तो एम स्क्वायर ये क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2m, यहाँ पे ऑलरेडी m भी आएगा। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला एक बताओ, फिर रिव्यू करते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे फार्मूला में क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम, उसके बाद a इंटू बी, तो यहाँ 2m, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 24, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है p प्लस 8 और उसके बाद p माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो p प्लस 8 तो सही है, कोई बात नहीं, और इस ये p यहाँ भी प्लस कर देंगे तो ये माइनस 3 करना पड़ेगा। तो अब ये x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसका क्या फार्मूला था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऑलरेडी फार्मूला तो याद हो चुका होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे p प्लस एट p इन ब्रैकेट माइनस 3, तो ये पी स्क्वायर हो गया। उसके बाद a प्लस बी, यहाँ पे 8 प्लस p की जगह पे माइनस 3 प्लस ए बी, ए की जगह पे 8 और b की जगह पे माइनस 3। आगे बढ़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, इसीलिए कि यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 8 3 24, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी पी भी आएगा, पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 गया 5 पी माइनस 24, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए की जगह पे, यहाँ एक्स की जगह पे क्या था पी था, तो पी स्क्वायर हो गया,
ए प्लस बी की जगह पे क्या है, एट और माइनस थ्री है, तो एट प्लस इन ब्रैकेट माइनस थ्री कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स एक्स की जगह पे यहाँ पी है और एट इन टू माइनस थ्री है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारा, थर्टीन प्लस एक्स और उसके बाद 13 माइनस एक्स, इसको एक्सपेंड करना है। तो अब इसको सबसे पहले प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, 13 प्लस एक्स और ये 13, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन इसे माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, अब ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही आ गया। तो ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता है। अब इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, नो प्रॉब्लम, प्लस ए प्लस बी और ए की जगह पे यहाँ क्या है, एक्स है, प्लस बी की जगह पे क्या है, माइनस एक्स है। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर ए इंटू बी, ए की जगह पे क्या है एक्स और बी की जगह पे क्या है माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे ये क्या हो गया, 13 का स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं इसको, 13 स्क्वायर, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स प्लस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स, ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कटने के बाद, और यहाँ पे 13 भी आएगा, यहाँ क्या था, यहाँ पे एक्स की जगह 13 है तो यहाँ भी 13 आएगा, तो यहाँ पे 0 × 13 हो गया, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो 13 स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये टर्म 0 × 13 जीरो हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमारा इसका आंसर 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 169 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइव क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3x प्लस 5y, तो ये x प्लस a के फॉर्म में, ये x प्लस b के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इसी फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है हमारा, 4y है, और बी की जगह पे क्या है, 5y है, उसके बाद यहाँ x है, x की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3x लिख देंगे, x की जगह पे 3x लिख देंगे, ये यहाँ पे जैसे 3x का स्क्वायर करना था, ये 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर था ये वाले फर्स्ट टर्म का, तो स्क्वायर हो गया, प्लस ए प्लस बी 4y प्लस 5y, एक्स की जगह पे 3x, और उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, और ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी है, ए की जगह पे क्या है 4y, बी की जगह पे 5y, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 3x × 3x 9x स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, 4y प्लस 5y, 4y और प्लस 5y, ये 9y हो गया, यहाँ ऑलरेडी 3x से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, और ये 5 × 4 = 20y², ये 20y² हो गया, 9x², और ये क्या हो गया, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27xy हो जाएगा, यहाँ x भी है, y भी, ये x है, ये y है, 9 और 3 है, सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, और ये 20y² हो गया। तो अब क्या आ गया, 9x² प्लस 27xy प्लस 20y², तो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 ही तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।